और उड़ाई अधिकारियों के आदेशों की धज्जी। बेलोन में जीआरबी जूनियर हाई स्कूल में आज भी 30 तारीख में पढ़ाई चालू रही। वहां पर अधिकारियों का कोई भी आदेश नहीं माना गया। बीएसए डीआईओएस या डीएम साहब किसी का कोई भी आदेश वहां पे लागू नहीं हुआ। जब हम वहां पे पहुंचे हमने जानकारी ली, वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी वहां पे हमें जाकर कितनी अनियमितता दिखाई दी कि आठवीं तक की मान्यता होने के बाद नवीं और दसवीं की क्लासेस वहां पे चल रही थी। स्कूल में पंखा नहीं थे, डीएम के आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। जहां शनिवार को छुट्टी आधिकारिक तौर पर नहीं थी, वहां शनिवार को भी छुट्टी दी गई। शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं थी और यहां तक कि टीन सेट में भी स्कूल चलाया जा रहा था। सभी कुछ पता था। जब हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि आप ये बताइए कि अधिकारियों का जो फैसला लिया है अधिकारियों ने, वो आपको जानकारी में है, तो उन्होंने तुरंत बताया कि हमने पेपर नहीं पढ़ा है और ना ही मुझे पेपर पढ़ने के लिए समय है। तो इस तरह अधिकारियों की आदेशों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये अच्छा फर्स्ट के हैं। छुट्टी थी आज इनकी, छुट्टी क्यों नहीं की? आज छुट्टी थी स्कूल की? हाँ एक रुक जाइयो, एक जना रुक जाइयो, कोई एक रुक जाइयो तुम में तो कोई एक। मैं राहुल चौधरी, इस समय बेलोन में हूँ। यहाँ पे जीआरबी जूनियर हाई स्कूल है। तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं हमारे साथ में, इन्होंने डीआईओएस डीएसए डीएम किसी के आदेश का पालन नहीं हुआ, इन्होंने आज भी स्कूल खोला है। तो क्या कारण रहा, किस तरह इनको पता नहीं चला, हम इनसे जानते हैं। उसको कम से कम अपनी सफाई तो देंगे ही, जानी है दूसरों के ऊपर डालना हमारी आदत है। तो सर बताइए कि किस तरह आपने आज स्कूल खोला? ये शनिवार को ही हमने छुट्टी कर दी थी, जैसे कांवरियाओं का या गंगा स्नान की वजह सोमवार का दिन सावन का महत्व रखता है, इस कारण से हमने सोमवार की छुट्टी कर दी थी। शनिवार को तो शनिवार को ऑर्डर नहीं था छुट्टी का, उस दिन आपने कर दी शनिवार और सोमवार दो दिन की, लेकिन आज मंगलवार के दिन बच्चों की व्यवस्था भीड़ को देखते हुए गंगा स्नान की वजह से लापरवाही तो हुई है आपकी तरफ से? अब इतना तो हो ही सकता है, 10-20 मिनट आधा घंटा लेट तो हो सकता है बच्चों को इच्छा करने पर, उन्हें बताने में एक घंटा कम से कम लेट। और उसके बाद ये जो आदेश जो थे आपने पेपर वगैरह में पढ़े थे? मैं नहीं पढ़े, मैं सब बता रहे थे कि छुट्टी है, दिन की आज ही बता रहे थे, तो फिर मैंने कहा छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी के लिए तो मैं निरीक्षण कर रहा था, अभी तक मैंने कहीं प्रधानाचार्य के साथ साथ आप मालिक हैं स्कूल के, आपने पेपर नहीं पढ़ा, इस तरह से तो ठीक नहीं है ना? वो बात सही है, पेपर नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, सब ही पढ़ते हैं, वो ही बताते सही बात करते हैं, उल्लंघन करें ऐसा नहीं।